ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्टर आजकल किसान की एक ऐसी मशीन बन चुकी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगी भी है। तो दोस्तों, जो चीज़ जितनी महंगी होती है उसका रखरखाव भी उतना ही ज़रूरी होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो जब उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उतना ही ज़्यादा आपका खर्चा भी होता है। तो क्यों ना दोस्तों, हम इन चीज़ों को पहले ही जान लें जो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपका खर्चा भी बच जाएगा और समय भी बर्बाद नहीं होगा, जिसमें आप ज़्यादा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं चंद्रकांत शर्मा आज आपके सामने कुछ ऐसे ही टिप्स लेके आया हूँ जिन्हें आप अपना के आने वाली समस्या से बच सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अपने ट्रैक्टर पे डेली देखते हो और उसके बाद ही फील्ड में लेके जाते हो, तो आप निश्चित ही आने वाली समस्या को कुछ और समय के लिए टाल सकते हो और संभवतः बच सकते हो एक्स्ट्रा खर्चा करने से। हाँ दोस्तों, तो मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप फील्ड से काम करके लौटो और ट्रैक्टर जब शाम को आप पार्क करते हो, खड़ा करते हो, तो कृपया देख लें अगर मिट्टी या कोई और चीज़ें, कहीं लकड़ी फंस गई है तो वो सारी साफ़ कर लें और धुलने के बाद ही उसे साफ़ सुथरी जगह पे खड़ा करें। साफ़ सुथरी जगह पे खड़ा करने से होगा क्या, अगर पूरे दिन में आपके ट्रैक्टर में कोई भी लीकेजेस या कोई भी प्रॉब्लम आई है तो जब आप सुबह देखोगे तो नीचे आपको उस साफ़ सुथरी जगह पर कुछ बूंदें मिल जाएंगी, तो आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे लीकेज हुआ है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, जब आप खेत से वापस लौटते हो तो देखते हो कि भाई डीजल ख़त्म हो चुका होता है, और नॉर्मली किसान भाई हमारे करते हैं कि सुबह को ही जब ज़रूरत होती है तभी डीजल भरते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि रात भर जो आपका टैंक खाली था उसमें गर्मी की वजह से गैसेस बनती हैं और वो कंडेंस होती हैं, मतलब संघनित होती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, घास पे सुबह को जब आप जाते हो तो हल्की हल्की बूंदें बन जाती हैं, सेम उसी तरीके से पूरी रात में ठंडा मौसम होता है जिसके संपर्क में वो अंदर की गर्म गैसें आती हैं और वो पानी में बदल जाती हैं। धीरे धीरे वो पानी आगे इंजन को नुकसान पहुँचाएगा, तो आप जब भी शाम को आओ उसी समय टैंक में डीजल भर दो, तो आप इस समस्या से बच सकते हो। अब हम सुबह की बात करते हैं, जब हम ट्रैक्टर को खेत पे ले जाने को होते हैं उससे पहले हमें क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले आपने जो साफ़ सुथरी जगह पे ट्रैक्टर को पार्क किया था तो आप देख लें नीचे कोई भी सतह पे बूंद या ऑयल, बूंद जो ऑयल या डीजल की हो वो चेक कर लें। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप वहाँ पर उसको सही करें, लीकेज को ख़त्म करें। इसके बाद आपको जितने भी हमारे ऑयल पॉइंट्स हैं सब पे ऑयल लेवल चेक करना है, डिपस्टिक में देखना है, जो दो निशान हैं ऑयल नीचे वाले निशान से नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों निशानों के बीच में ऑयल का लेवल होना चाहिए। अब हम बात करें एयर क्लीनर की, आगे से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एयर क्लीनर की, तो एयर क्लीनर अगर आपका ऑयल वाला है जिसमें तेल भरा होता है, नीचे कटोरा लगा होता है, तो आप देखें कि उसमें ऑयल का लेवल कम तो नहीं है, और चेक करें उसमें कचड़ा तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा है तो या तो आप उस ऑयल को बदल दें, और अगर कम है तो उसका लेवल बराबर करें। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको अल्टरनेटर लगा हुआ मिलेगा, उस पर एक बेल्ट लगी हुई मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वो बेल्ट का कनेक्शन क्रैंक पुली और वाटर पंप से होता है, वो टेंशन उसका चेक करिए, अगर वो बेल्ट ढीली हो गई है तो उसको कंपनी के बताए अनुसार माप में सेट करिए। अगर वो ढीली रहेगी तो वाटर पंप सही से काम नहीं करेगा और अल्टरनेटर भी पूरा करंट नहीं बना पाएगा, जिससे आपका बैटरी भी चार्ज नहीं होगा और कूलिंग सिस्टम भी सही से काम नहीं करेगा। दोस्तों फाइनली होगा क्या कि कूलिंग सिस्टम सही काम ना करने से आपका इंजन हीट होने लग जाएगा, तो आपको धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाएगी। इसके बाद दोस्तों, ले जाने से पहले आपको टायर का, जो टायर में हवा है उसका प्रेशर भी चेक करना है। तो खेत पे जाना है तो खेत के अनुसार जैसा भी आपके कंपनी निर्माता ने बताया हुआ है
हवा का प्रेशर चेक करें। रियर टायर की अगर हम बात करें तो जब आप फील्ड में लेके जाते हो तो लगभग 12 से 14 PSI हमें प्रेशर रखना होता है, और जब भी आप रोड पे चलाते हो जो 14 से 16 PSI आपको प्रेशर टायर के अंदर हवा का होना चाहिए। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो वाटर कूल्ड इंजन में रेडिएटर के अंदर पानी चेक कर लें, अगर कम है तो उसे पूरा कर लें, और जो बाहर नट बोल्ट्स लगे हैं एक बार सारे ही देख लें, कोई बोल्ट ढीला या खुला हुआ तो नहीं है, अगर है तो उसे ठीक करें। दोस्तों आपके ट्रैक्टर में अगर ब्रेक हाइड्रोलिक है तो उसे भी चेक करें, और अगर मैकेनिकल है तो ब्रेक भी आपको पहले तो बंद ट्रैक्टर पे ही चेक कर लेना है, सही से मूवमेंट कर रही है, लिंकेजेस काम कर रही हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर पडलिंग के टाइम पे आपका ट्रैक्टर खेत में चलाया गया है, पडलिंग वाले खेत में, तो सुबह के टाइम पे उसमें ग्रीसिंग जरूर कर लें, नहीं तो होगा क्या दोस्तों, जो हमारे पॉइंट्स हैं उनमें मिट्टी रह जाएगी और वो रस्टिंग करने लग जाएगी, जिससे आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बैटरी के अंदर जो तेजाब होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, उसका लेवल भी चेक करें, वो लेवल कम तो नहीं है, अगर कम है तो उसे पूरा करें। और दोस्तों टर्मिनल्स भी चेक करें, कभी कभी क्या होता है झटकों में टर्मिनल्स लूज होता है, हो जाते हैं और वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। जो हमारा लेवल है वो कम है तो वहाँ पे हमेशा डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करें, और टर्मिनल्स को गर्म पानी से धोकर ही उस पर पेट्रोलियम जेली लगा के उनको साफ़ करें। दोस्तों फिर जब आप ले जाने को ट्रैक्टर होगे तो स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले उसमें देखना है कि सारे हमारे जो मीटर हैं डैशबोर्ड में लगे हुए वो सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें चेक कराएं, क्योंकि फील्ड में काम करते समय आपका सबसे बड़ा सहारा डैशबोर्ड होता है, उसी से आपको पता लगता है कि आपके टैंक में डीजल कितना है, आपके ऑयल का टेम्परेचर क्या है, वाटर टेम्परेचर क्या है, आदि चीज़ें आपको डैशबोर्ड से पता लग जाती हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखते हुए साथ ही आपको चलने से पहले क्लच ब्रेक का भी ट्रायल ले लेना है, क्योंकि वो भी कभी भी खराब कंडीशन में नहीं होने चाहिए। दोस्तों एक चीज़ का और आपको ध्यान रखता है, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि हमारे किसान भाई क्लच भी पैर रख के ट्रैक्टर को चलाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि होता क्या है कि आप जब क्लच पे पैर रख के चलाते हो तो अंदर जो हमारी प्रेशर प्लेट होती है उसका प्रेशर क्लच पे पूरा नहीं रहता और वो प्लेट को घिसती रहती है, और धीरे धीरे आपकी क्लच प्लेट जल्दी ही घिस जाती है। दूसरा, आपको जो आपका रियर टायर है क्लच से पूरी पावर आगे जाएगी नहीं, तो पूरे चक्कर भी आपको रियर टायर पे नहीं मिलते, जिससे कि आप 10 किलोमीटर जाने की बजाय 8 किलोमीटर ही जा पाओगे और उतना आपका काम भी खेत में कम हो पाएगा। तो आप इस हिसाब से देखते हुए क्लच पे पैर रख के ना चलाएं, कृपया ट्रैक्टर को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपको क्लच पे पैर ना रखना पड़े। तो दोस्तों स्टार्ट करते टाइम भी आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला तो ट्रैक्टर न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए, दूसरा ये सेफ्टी परपज कि आगे और पीछे देख लें कोई भी ना हो। तो दोस्तों सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और आपकी मशीन की सुरक्षा और लंबे समय तक चलाने के लिए इन चीज़ों का बेहद ख्याल रखें और हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको कुछ और भी नॉलेज चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और आपको बताऊं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।